फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रहे इन मशीन्स का क्या काम होता है। एक ऐसा आदमी जिसने पोर्शे जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली, और एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं, और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, आप पक्का इस कैमरा को देखकर यही सोच रहे होंगे कि इसका क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस कैमरे के मेल्टेड पार्ट्स है, और ये कैमरा एक रॉकेट के लॉन्च को रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि उसकी वजह से ये कैमरा मेल्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि ये कैमरा रॉकेट लॉन्च से 0.5 किलोमीटर यानी 500 मीटर दूर था, मतलब कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है स्पेस शटल के लॉन्चिंग से। नंबर 9, जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ पर आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहाँ पर खाना फ्री में दिया जाता है और आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बस $1 ही दिया जाता है। पर इनकी एक ही कंडीशन है कि ये आपको पूरी नाइट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे, बस इनकी यही शर्त है। और अगर आप ये शर्त मान लेते हो तो आप इस होटल में सिर्फ $1 की प्राइस देकर रह सकते हो। नंबर 8, यूएसए के एक आदमी ने पोर्शे खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन कैसे? एक बार एक आदमी ने पोर्शे खरीदी और कहा कि मैं चेक से पेमेंट करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उसने सब कुछ सही से फिल करके कार को खरीद लिया, और उसके कुछ दिनों बाद ही पता चला कि वो चेक बिल्कुल फेक था। फिर उसके बाद वो नंबर डायल किया तो वो भी नॉट रीचेबल आ रहा था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला है, और उसने ये सब कैसे किया ये भी आज तक नहीं पता चला। नंबर 7, एक बार मॉस्को का वेदर खराब हो गया था जिसकी वजह से काव के लिए चारा नहीं मिल रहा था, और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी खराब हो गया था, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय की आंखों पर वर्चुअल ग्लासेस को लगाया और VR में एकदम हरे भरे खेतों के वीडियोस दिखाए, जिसकी वजह से काव को एकदम रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये सब करने के बाद काव के मिल्क में ड्रास्टिक चेंज आया और काव अब पहले से ज्यादा दूध देने लगी। नंबर 6, ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में से एक है। देखो इस फोटो में MS धोनी और ABD दोनों एक ही जगह देख रहे हैं, और उसी टाइम पर विराट और अमला नीचे देख रहे हैं, और उसी मैच में विराट और अमला दोनों बहुत ही खराब खेले थे। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, अभी जो आप पेन देख रहे हो वो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल इस पेन को इस टाइप से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसमें एक तरफ से पानी जैसे दिखने वाले फ्लूइड को भरा जाता है, और उसके बाद इसमें जिंदा वर्म्स डाले जाते हैं। ये फ्लूइड इस वर्म्स को कई समय तक मरने से बचाता है। वर्म्स होने की वजह से इसे घिनौना मत समझिए, बल्कि इस पेन का लुक काफी अमेजिंग है, पर लिखते समय ये वर्म जिस तरह से दिखते हैं वो काफी अमेजिंग लगता है। और कुछ खास नहीं है इस पेन में, पर फिर भी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। नंबर 4, क्या आप बाइक चलाते समय स्लीपर्स पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इंडिया के अबेंडेंट व्हीकल लॉस के अनुसार बाइक चलाते समय किसी को भी चप्पल, स्लीपर्स और फ्लोटर्स पहनने अलाउड नहीं है। और अगर आपको किसी ने ये करते पकड़ लिया तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, और किसी को ऐसा 3 से 4 बार करते हुए पकड़ लिया तो उसे 15 दिन की जेल भी हो सकती है, और इसीलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए, और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 3, ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि जो पहले के बॉलीवुड एक्टर्स थे उन्हें ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990s से पहले अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर है जिन्हें करोड़ों में पेमेंट दी जाती थी। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, आपने एक ना एक बार फैक्ट्री के ऊपर लगे ये चमकदार घूमते हुए चीज को तो जरूर देखा होगा, पर आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, लेकिन इसका काम करना जरूरी है। इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब भी फैक्ट्री में काम किया जाता है तब बहुत टाइप के टूल्स और इतना सब हेवी मशीनरी की वजह से बहुत हीट जनरेट होती है, जिसे काम कर रहे वर्कर्स को घुटन होगी, और बढ़ती गर्मी के कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से इन्हें लगाया जाता है। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है, और ऊपर ये टर्बाइन्स होते हैं जो ऐसे गर्म हवा को बाहर भेजते हैं, जिसके कारण फैक्ट्री का टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, जिससे वो लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। मतलब एक घर के एग्जॉस्ट फैन की तरह होता है। नंबर 1, आपने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में छोटा सा भी कट लग जाता है तो हमें काफी ज्यादा दर्द होता है। पर नाखून या बाल काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल्स से बनते हैं, जिसमें ब्लड नहीं होता, और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाल पूरे डेड सेल्स से बनते हैं, इसीलिए उन्हें पूरे काटने पर भी हमें दर्द नहीं होता। पर नाखून जो होता है वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल्स से बनता है। जो नाखून का पार्ट बढ़ता है उसे काटने पर हमें कुछ नहीं होता, और जो स्किन से अटैच होता है उसे काटने पर हमें दर्द होता है, क्योंकि वो अलाइव सेल्स से बनता है और उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। एंड अगर आप एडी फैक्ट चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलता हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।